हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास किया और जाट समाज को बधाई देते हुए कहा कि भवन सभी वर्गों के काम आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम से रेवाड़ी हाफ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाई और कई सारी बड़ी घोषणाएं भी की। एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल में जाट कल्याण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जाट कल्याण सभा को बधाई दी, कहा ये भवन समाज के सभी वर्गों के काम आएगा। स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज से आने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। भवन निर्माण के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐच्छिक कोष से 31 लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की। वहीं जाट कल्याण सभा ने सीएम से भवन की पार्किंग के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की नीति के मुताबिक इस मांग को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। अच्छा है जब इस प्रकार का संस्थान खड़ा होता है, लोग भी आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था होनी जरूरी है। मैं बिल्कुल आपकी इस मांग को सारा व्यवस्था देख करके कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के अंदर जितना भी मेरे से हेल्प होगी, मैं एक कदम आगे बढ़ करके आपको ये जमीन दलवाने के लिए पूरी हेल्प मैं उसके अंदर करूँगा। परंतु उसका समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिले, मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूँ। और आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं 31 लाख रुपया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मिशन मोड में अभियान चलाकर तेजी से विकास किया। हरियाणा का हर जिला आज राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुका है। सीएम ने कहा गुरुग्राम की बात करें तो 14 घंटे में मुंबई तक, 6 से 7 घंटे में कटरा पहुंचकर मां वैष्णो देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम से रेवाड़ी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने इस मौके पर मौजूद जनसमूह को संबोधित किया, कहा मैराथन और राहगीरी कार्यक्रम सामाजिक सद्भाव के साथ स्वास्थ्य सुधार में प्रेरणादायक होते हैं। राज्य सरकार की ओर से हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। उन्होंने हाफ मैराथन में हजारों की संख्या में मौजूद धावकों के साथ दौड़ लगाई। सीएम ने रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम को लेकर घोषणा की। स्टेडियम में वीर सपूत राव तुलाराम की प्रतिमा लगवाने की घोषणा, सिंथेटिक ट्रैक बनवाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को सरलता से पूरा करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। जिला मुख्यालय के स्टेडियम में खिलाड़ियों को इससे बेहतर खेल वातावरण मिल सकेगा। आज का ये रेवाड़ी का ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक स्टेडियम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की शहीद क्षेत्र में आज इस भव्य मैराथन का जो आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाफ मैराथन के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर युवा शक्ति को नई उमंग नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा आगामी 15 अगस्त तक हरियाणा प्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करते हुए राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया जा रहा है। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके
उनको मजबूत करने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवा वर्ग नशीले पदार्थों से दूरी बनाते हुए स्वास्थ्य पर फोकस कर रहा है। सीएम ने कहा, सुखद स्वास्थ्य के साथ ही हरियाणा विकास की तरफ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।